तारीखों के आगाज के साथ ही इन पांच राज्यों में चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या क्या वो तारीखें हैं, आइए आपको एक बार फिर से बताते हैं। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, वो तारीख है दो चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में चुनाव जहां होगा वो तारीख है 7 नवंबर। जी हां, 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, दूसरे चरण का चुनाव होगा 17 नवंबर को। तो इस तरीके से दो चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा और जो स्थान सामने आए हैं उसमें 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले चरण में चुनाव होगा। दूसरे चरण में चुनाव करीब 70 सीटों में होगा। तो 70 और 20 दो भागों में छत्तीसगढ़ को बांटकर दो चरण में चुनाव हो रहा है। वजह है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद। तो नक्सलवाद को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो तारीखें तय की है उसमें छत्तीसगढ़ को दो चरण में चुनाव करने के लिए चुना है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव एक चरण में होगा और वो तारीख है 17 नवंबर। जी हां, जब मध्य छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव होगा उसी तारीख को 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में भी चुनाव होगा। तो मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश एक चरण में चुनाव होगा, वो तारीख है 17 नवंबर। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा और तेलंगाना में 13 नवंबर को चुनाव होगा। तो चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया है वो आपके सामने है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज हो चुका है। अब जानते हैं क्या कुछ कहा चुनाव आयोग ने, आइए सुनते हैं चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आदर्श आचार संहिता को लेकर क्या कुछ बातें कही हैं। Now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all the states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the two first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th, date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. तो आपने सुना चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन तारीखों के ऐलान के साथ इन पांच राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जी हां, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिसका कड़ाई से अब इन राज्यों में पालन भी हो रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। एक तरफ चुनाव आयोग काम करता हुआ दिखाई देगा, वहीं कांग्रेस भाजपा के साथ अन्य दलों की गतिविधियां भी अब तेज हो जाएंगी। आमतौर पर जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है राजनीतिक क्षेत्र के लोग सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनके एग्जाम का टाइम आ गया है।
सरकार अब एक तरीके से न्यूट्रल हो जाती है, आदर्श आचार संहिता के बंधन में बंध कर वो काम करेगी। और इसके लिए आज से प्रशासन ने कमर कस तैयारी शुरू कर दी है। पूरा तंत्र जो है वो चुनाव आयोग ने अपने अंडर में ले लिया है। और जो पहला काम चुनाव आयोग करता है वो ये कि सरकारी इमारतों में कोई प्रचार प्रसार ना हो, किसी को सरकारी तंत्र का फायदा ना मिले। इन सब बातों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कड़ाई से पालन आचार संहिता का शुरू कर दिया है। तो आज हमने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई और तारीखों का दृश्य आपको दिखा दिया है। आचार संहिता को लेकर क्या कुछ हो रहा है, आचार संहिता कैसे पालन कराई जा रही है वो भी हम बताएंगे। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया का दौर जो है वो शुरू हो गया है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार हमें देखने सुनने को मिल रही है। तो पहली प्रतिक्रिया जो मिली है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, क्योंकि वो एक तरीके से कैप्टन की भूमिका में हैं। मध्य प्रदेश में कैप्टन की भूमिका में नजर आएंगे शिवराज सिंह चौहान। उनके नेतृत्व में सरकार चली है, उसके बाद अब उनके कामकाज का आकलन होना है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान इन तारीखों के ऐलान के बाद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। तो एक तरफ जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का चापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसे चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे अच्छी रहेगा। तो एक अच्छी बात के साथ चुनावी फाइट में उतर गए हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने संदेश जो दिया है उसमें किसी के प्रति कटुता नहीं। उन्होंने कहा है कि एक समरसता के साथ वो चुनाव में जा रहे हैं, कटुता के भाव के साथ चुनाव में वो नहीं उतरना चाहते। यही होना चाहिए और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। तो शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना, मध्य प्रदेश की प्रतिक्रिया आ गई है। छत्तीसगढ़ की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री का ट्वीट भी है, लेकिन उसके पहले सरकार के जो प्रवक्ता की भूमिका अब तक निभाते रहे हैं वरिष्ठ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता और मंत्री रविन्द्र चौबे ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं रविन्द्र चौबे की प्रतिक्रिया। पिछली बार राजनांदगांव और बस्तर की सीटें थी, इस बार कवर्धा की दोनों सीटों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब इसका आशय किस रूप में लिया जाए मैं आज व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि दो चरण में ही चुनाव होंगे और उसी के अनुरूप दो चरणों की चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि पिछली बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 71 की बहुमत से सरकार में बिठाया है, 3/4 से भी अधिक, और इस बार जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्य हुए हैं, विशेष रूप से किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार, और निश्चित छत्तीसगढ़ में आबो हवा और वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। हम फिर से पिछले जो परिणाम है उसको दोहराएंगे और रिकॉर्ड जीत छत्तीसगढ़ में हासिल करेंगे। तो रिकॉर्ड जीत का दावा कर रहे हैं रविन्द्र चौबे, मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के और प्रवक्ता भी हैं सरकार के। तो उन्होंने जीत का दावा किया है और अब सुनते हैं, ट्वीट देख लेते हैं हमारे साथ रमन सिंह की प्रतिक्रिया आ चुकी है। रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिक्रिया दी है, तो क्या कुछ कहा है रमन सिंह ने वो सुन लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के
जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। मतदाता मतगणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2,03,00,000 मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18,00,000 मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18,00,000 नए मतदाता होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,39,000 है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। तो ये थी डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया। वो इस बात को लेकर आशान्वित दिख रहे हैं कि नए मतदाता छत्तीसगढ़ में ज्यादा हैं। करीब 8,00,000 से अधिक नए मतदाता छत्तीसगढ़ में जुड़े हैं और ये वोटर काफी हद तक डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बन सकती है, और इसी बात को लेकर आशान्वित नजर आ रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। लेकिन जब विपक्ष तैयार है तो सत्ता पक्ष भी कमर कस के प्रतिक्रियाएं दे रहा है, और इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है। मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली में है, CWC की बैठक उन्होंने अटेंड की है, और उसके बाद उनका ट्वीट जो आया है उसमें साफ है कि हैं तैयार हम, कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शुरू हो चुका है युद्ध माटी के अभियान का। जी हां, पहली लाइन से ही समझ में आता है कि काफी आक्रामक है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उन्होंने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब वो रायपुर लौटेंगे तो उनसे बातचीत होगी तो और ज्यादा खुलकर प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन ट्वीट के जरिए जो उन्होंने भाव पेश किया है उससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कैसे तैयार है। आपको ट्वीट की पंक्तियां बता दूं, शुरू हो चुका है युद्ध माटी के अभियान का, नहीं रुकेगा अब ये रथ छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का, नए छत्तीसगढ़ गढ़ने के संकल्प के साथ हर एक छत्तीसगढ़िया तैयार है, एक बार फिर भरोसे के हाथ जुड़ेंगे, भरोसे के हाथ जुड़ेंगे और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आपको देखने मिल रही है और इससे साफ है कि उसे चुनाव को वो युद्ध मानकर चल रहे हैं। तो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया जिसमें वो इस चुनाव को युद्ध बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है अपने आप को तैयार और चुनाव को बताया है युद्ध। तो ऐसी प्रतिक्रियाओं के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ताल ठोक कर चुनाव को युद्ध बता रहे हैं तो दूसरी ओर से भी जो महारथी हैं वो कमजोर नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया के बाद सामने आई है बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया। बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया है वो मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद आई है, तो क्या कुछ कहा बृजमोहन अग्रवाल ने आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को अगर चकनाचूर किसी ने किया है, अगर शांत सीधे साधे छत्तीसगढ़ियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का किसी ने काम किया है तो वो भूपेश बघेल ने किया है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया की परिभाषा यही है कि 3 राज्यसभा सदस्य जाते हैं वो छत्तीसगढ़ के बाहर के जाते हैं? क्या यही परिभाषा है कि छत्तीसगढ़ में शराब में 20,000 करोड़ का घोटाला, कोयले में 500 करोड़ का घोटाला, DMF में 10,000 करोड़ का घोटाला, कैंपाबद में 7,000 करोड़ का घोटाला, धान में 5,000 करोड़ का घोटाला, सीमेंट में 5,000 करोड़ की लेवी, रेत में 5,000 करोड़ की लेवी, गौठान में 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला,
यही क्या छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया का स्वाभिमान है? तो ऐसे घोटालेबाज सरकार को, जिसने छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान को चूर चूर किया है, तार तार किया है, छत्तीसगढ़ के तो ये थे बीजेपी के तेज तर्रार नेता बृजमोहन अग्रवाल, और उन्होंने जो पॉइंटेड बात कही है वो है छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के चूर चूर होने की। जहां एक और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कह रहे हैं, वहीं बीजेपी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। अब बीजेपी की ओर से पूरे चुनाव का संचालन संभालने वाले ओम माथुर, जिन्होंने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फतह दिलाई, कई प्रदेशों की प्रभारी की भूमिका निभा चुके, ओम माथुर की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। बीजेपी के प्रभारी हैं ओम माथुर, क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद, आइए सुनते हैं। पार्टी को अपना अधिकार, लोकतंत्र में किसी भी विषय पे हर पार्टी को अपना अधिकार है बोलने का। पूर्ण रूप से इनका भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, कोई विधायक या कोई दल ऐसा नहीं बचा, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जो इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। प्रधानमंत्री की जितनी गरीब कल्याण योजनाएं उन्होंने इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और उसका उदाहरण हमारा पार्टी का जो वर्कर्स गांव गांव गली गली गौशाला जैसे में इन्होंने पैसा खाया है, तो इसलिए वो बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसका निर्णय वहां की जनता करेगी। सर, दूसरी लिस्ट कब आने वाली है कैंडिडेट को लेकर के छत्तीसगढ़? जब भी चुनाव समिति की बैठक होगी हम तैयार है लिस्ट। सर, आप राजस्थान से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं आपकी? मेरा राजस्थान से इन दिनों ज्यादा नहीं होता, लेकिन राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो ये थे ओम माथुर, जो कि निश्चिंत नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है, करीब एक साल से अधिक की मेहनत के बाद उन्हें लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो उनकी सरकार बनेगी। राजस्थान से जुड़े होने के कारण उनकी प्रतिक्रिया राजस्थान को लेकर भी सामने आई है। ऐसे में अब प्रतिक्रियाओं के दौर को यहीं रोकते हैं, और हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं गब्बर सिंह ठाकुर, जो कि बताएंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रियाओं का दौर है, तारीखों के ऐलान के बाद क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश भी करेंगे कि छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की राजनीतिक फिजा तारीखों के ऐलान के बाद किस तरीके से बदली है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की रुख करते हैं, गब्बर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। गब्बर, हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, आपके यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं, अब अभी तो उतने तीखे प्रहार एक दूसरे पर नहीं कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मिलजुल कर कटुता ना हो, इस तरीके के चुनाव होंगे, पर क्या देख रहे हैं चुनाव की तारीखों के बाद, कैसा माहौल है वहां पर राजनीतिक रूप से? गब्बर, आवाज मिल पा रही है? चुनाव की कांग्रेस आम आदमी कोई भी हो, सभी दलों में हलचल मच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग भी सतर्क हो चुका है, वही पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। यहाँ चुनाव आयोग 4:30 बजे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके साथ में दूसरी तरफ अगर हम देखें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन 4:30 बजे अपना फ्लैग मार्च निकालने जा रहा है और अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा। वही तीसरी तरफ अगर देखें बीजेपी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले, जैसे ही दिल्ली से चुनाव आयोग ने अपनी तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये जाहिर किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ पर रानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राजपूत जी भी थे, केके मिश्रा जी भी थे, और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि इस बार कमलनाथ की सरकार बनेगी। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, शोभा ओझा है। उन्होंने भी कहा था कि पहले भी जनमत कांग्रेस के लिए ही मिला था, लेकिन बीजेपी ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया था उन्होंने कि जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके इस तरह से हमारी सरकार गिराई थी, लेकिन इस बार डबल बहुमत, यानी जो बहुमत पहले मिला था जनता का, इससे भी ज्यादा अधिक बहुमत हमें मिलेगा और इस बार हम अपनी ऐसी सरकार बनाएंगे कि इस बार किसी भी तरह से कोई भी कहा जाए कि तोड़ नहीं सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए इनडायरेक्ट में इसके वाला आरोप बीजेपी पर लगाया था उन्होंने कि जिस तरीके से पहले आरोप लगा था कि बीजेपी ने खरीद करके और कांग्रेस की सरकार गिराई है,
कांग्रेस के विधायकों को खरीदा है, लेकिन इस बार इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस पूरी जोर शोर कहा जाए कि एड़ी चोटी का जोर लगा, एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस लगा रही है। गब्बर आपको थोड़ा रोकूंगा, हमारे हमको प्रतिक्रिया मिल रही है नरेंद्र सिंह तोमर की, केंद्रीय मंत्री भी हैं इस बार, उन्हें आला कमान ने विशेष रूप से मध्य प्रदेश में उतारा है। तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं नरेंद्र सिंह तोमर को। चुनाव आयोग ने जो चुनावी कार्यक्रम का निर्णय किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। तो बड़े केंद्रीय नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इसलिए उन्होंने पांचों राज्यों को मिलाकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और जैसे कि एक प्रतिक्रिया की उम्मीद रहती है कि पांचों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये कुछ कहना था नरेंद्र सिंह तोमर का। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है, छत्तीसगढ़ की राजनीति के संबंध में जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कैसा माहौल चल रहा है कांग्रेस भाजपा में, कितनी तैयार है दोनों पार्टियां? जी मोहन, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो राजधानी रायपुर में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान दिल्ली से होता है तब तुरंत ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिन्होंने टीवी 24 पर ही सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि 7 और 17 तो सिर्फ तारीखें हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो कि हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है, चाहे चुनाव किसी दिन घोषित हो जाए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भूपेश बघेल ने कुशासन किया है 4.5 सालों तक, अब जनता उसे जान चुकी है, और अब अच्छा हुआ कि तारीखों की घोषणा हो गई, बहुत कम समय बचा है चुनाव को लेकर, इसे हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार भूपेश सरकार ने किया है, और उसके बाद जनता हमारे पक्ष में आएगी और निश्चित तौर पर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। अरुण साव की प्रतिक्रिया लेने के बाद हमने रुक किया राजीव भवन का, जहां पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी से हमारी मुलाकात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का काम है सिर्फ आरोप लगाना, लेकिन कांग्रेस की पहले से ही तैयारी थी और कांग्रेस जनता के बीच पहले से पहुंच चुकी है। बीजेपी तो जाने की बात कह रही है, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही जनता के बीच में मौजूद है। खुद प्रदेश सरकार के जो मुखिया है भूपेश बघेल, वो जनता के बीच में पहुंच चुके हैं, पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। सूची को लेकर अभी भी यहां पर मंथन का दौर जारी है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है संभावित प्रत्याशियों की, जो सूची आई है इसे लेकर लगातार विरोधाभास पार्टी में देखने को मिला है। आज भी हम जब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए थे तब अहिवारा से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, जो कि स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर वहां पर प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन प्रदेश नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो नहीं पाई, इसे लेकर काफी नाराजगी है। इसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में साफ तौर पर यह कहा गया है कि नवरात्रि तक जो सूची है वो फाइनल कर दी जाएगी और सभी 90 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो उतार दिए जाएंगे। एक तीसरा दल जो कि राजनीति में बहुत सक्रिय है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का भी रुझान हमने जानने की कोशिश की। उनके प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी आज खुद रायपुर पहुंचे हुए हैं, यहां पर उनका एक बड़ा कार्यक्रम होना था, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गई इस वजह से कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में ना आ जाए, इस वजह से कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो लगातार जो नेता है उनकी बयानबाजी का दौर जारी है और प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। जी मोहन, तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो गई हैं, और उसी क्रम में राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासन ने भी अपना काम तेज कर दिया है, और आज से प्रशासन का काम ज्यादा तेजी से दिखाई देगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का पालन कराए जाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। ऐसे में चुनाव की घोषणा के साथ साथ चुनावी गतिविधियों में तेजी कितनी तेज है कितनी कम है, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रतिक्रियाओं का दौर और जारी है। दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, प्रतिक्रिया उनकी क्या मिल रही है, आइए सुनते हैं। हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है, और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी।
कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? हमारा इतनी सीटों का अनुमान है जितनी कभी ना मिली हो। सर आप बोल रहे इतनी कॉन्फिडेंट है, क्या सीएम फेस को लेके भी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की है या कलेक्टिवली लड़े? देखिए हम लोग के लीडरशिप कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि कई मुद्दों की कमी है क्या? भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी कुशासन है, व्यापम है, पटवारी भर्ती है, कौन सा ऐसा विषय है? रेत खदान का माफिया है, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उनकी आलोचना ना की जा सके? पूरी जबरदस्त तैयारी है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल जबरदस्त तैयारी के साथ उतरे। दिग्विजय सिंह जिसकी इनकी प्रतिक्रिया हमने अभी सुनी, कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं और राजनीतिक दल ऐसे समय में जब उन्हें पता चलता है कि तारीखें कितने दिन बाद हैं, कब चुनाव हैं, तो ज़्यादा तैयार नजर आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल तो कह ही चुके हैं कि हैं तैयार हम, और दिग्विजय सिंह को भी हमने सुन लिया कि वो भी तैयार हैं। तो इस तरीके से तैयारियाँ कौन कितनी कर रहा है इसकी खबर हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मेहमानों के साथ फिर से आपसे मिलेंगे।